गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो गैस का जो सामान्यतः कारण है वो खान पान में गड़बड़ी, खाना सही समय पर नहीं खाना, गलत खाना खाना, गलत तरीके से पानी पीना, इन सब कारणों से होती है। जैसे कि डीप फ्राई वाले खाना, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, ज़्यादा ऑयली खाना, फास्ट फूड, बाहर का खाना, जो ज़मीन के नीचे जो होते हैं कंद वाले चीज, वो सभी गैस बनाते हैं, और गेहूं से बने पदार्थ, मैदा से बने पदार्थ, ये सब चीज़ें खाने से गैस की प्रॉब्लम होती है। या खाना खाते वक्त ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए, पानी खाना खाने के 1 घंटा पहले पिए, खाना खाने के 2 घंटा बाद पिए। खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, जो खाना है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो और गैस्ट्रिक एसिड है उनके द्वारा वह पचना चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो गैस्ट्रिक जूस है, वो काम नहीं करता और ज़्यादा पानी में खाना सड़ जाता है, तो इससे हमें अपच और गैस की समस्या होती है और मुंह से ढकार आते हैं और सीने में जलन, खट्टा ढकार आदि आता है। उसके बाद क्या होता है, जब खाना पचता है तो वह आँख में जाता है और आँख से मलाशय में जाता है, समय समय पर वह बाहर किया जाता है। कुछ कारणों से कब्ज की समस्या होने पर, मल समय में बाहर नहीं होने पर मल आंत में रुक जाता है और वह सड़ता है और गैस प्रोड्यूस होता है। और यदि लंबे समय तक गैस की समस्या हो, पेट में जलन की समस्या हो, खट्टी ढकार है, तो कुछ अंदरूनी पेट की बीमारियां हो सकती हैं, जिसका पता लगाने के लिए डॉक्टर्स द्वारा इंडोस्कोपी, बैरियम बिल एक्सरे, सोनोग्राफी आदि किया जाता है। तो इंडोस्कोपी कराते हैं तो पता चलता है कि आहार नाल की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो गया, ड्यूडेनाइटिस हो गया, GERD मतलब गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज मतलब आंतों में किसी प्रकार का रुकावट हो जाना, आंतों की जी मोटिलिटी कम हो जाना, गाल ब्लैडर की बीमारी, लीवर की बीमारियां इत्यादि के कारण से भी गैस प्रोडक्शन होता है जो लंबे समय तक बना रहता है। आइए अब जानते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के उपचार के बारे में। जो सामान्य गैस की प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो कभी कभार होता है, तो जो खान पान की गड़बड़ी की वजह से होता है, तो उसके इलाज के लिए अपने खान पान में परिवर्तन करें, ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, लेकिन खाना खाने वक्त नहीं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के 2 घंटे बाद में। फाइबर युक्त खाना खाएं, अर्थात रेशे युक्त खाना, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल फूल वगैरह, और फास्ट फूड, डीप फ्राई वाले खाना, ऑयली खाना, मसालेदार खाना, मैदा से बनने वाले पदार्थ, इन चीज़ों को खाने से बचें या कम खाएं और खाना समय पर खाएं। कब्ज की समस्या होने पर कब्ज की दवाई लें, जैसे कि आयुर्वेदिक में गैसांतक पट्टी हो गया, 1-1 गोली सुबह शाम लेना है, त्रिफला चूर्ण 2-2 चम्मच सुबह शाम, और अभियारिष्ट सिरप 2-2 चम्मच सुबह शाम, हिमालय का गैसेक्स टेबलेट आता है 1-1 गोली सुबह शाम, ये सब ले सकते हैं। एलोपैथी में यानी कि अंग्रेजी दवाई में ओमेप्राजोल कैप्सूल, पेंटोप्राजोल कैप्सूल, रेमेप्राजोल कैप्सूल, डोम प्रीडोम के कॉम्बिनेशन में भी आता है, जैसे कि टेप्सेक डी,
पेंटॉप डी, ओमेज डी, ये सब ले सकते हैं। तो इसमें साथ में गैस के साथ में ढकार की समस्या होगी तो वह भी ठीक हो जाएगी। और साथ में सिरप, एंटासिड सिरप आता है जैसे कि जीरोसिल, डाइजिन सिरप, इसको दो दो ढक्कन सुबह शाम लेना है। होम्योपैथी में गैस गाउन टेबलेट आता है, गैस गाउन सिरप आता है, टेबलेट को दो दो गोली सुबह शाम लेना है। और जो गैस गाउन ड्रॉप आता है तो ड्रॉप को 10-10 बूंद तीन में तीन बार लेना है। और बायो कॉम्बिनेशन में नंबर 4 आता है, कब्ज को दूर करने के लिए, वो कब्ज को ठीक करती है जिससे गैस की समस्या ठीक हो जाती है। डाइजेस्टिन सिरप आता है, उसको 2-2 चम्मच सुबह शाम लेना है। यदि आपको गैस एसिडिटी की समस्या लंबे समय से हो तो आप डॉक्टर की सलाह से इंडोस्कोपी कराएं। इंडोस्कोपी में अगर पता चलता है कि ड्यूडेनाइटिस है या गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर है तो उसके लिए लंबे समय तक जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है, पीपीआई की जो ड्रग है जैसे कि पेंटोप्राजोल कैप्सूल, डेवेप्राजोल, लेंसप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल आदि दवाई एक निश्चित मात्रा में पूरे कोर्स तक लेना पड़ता है। सिरप सुक्राल फेट और जो लैक्टिक एसिड टेबलेट आता है स्पोर लैक नाम से, बीजी लैक नाम से, उसको लेना है सुबह शाम एक एक गोली, क्योंकि कभी कभार हमारे पेट के अंदर जो कीड़ा होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस तो ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने के कारण नष्ट हो जाता है, उनके कारण से भी पेट में गैस बनता है, तो इसलिए ये भी लेना जरूरी है। साथ में एरिस्टोजाइन कैप्सूल सुबह शाम। यदि कब्ज की समस्या हो, दस्त साफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्रीमाफिन सिरप रात में सोते समय 10 ml या 15 ml ले गुनगुने पानी के साथ में। तो इन सब दवाइयों को एक निश्चित कोर्स तक लेने से जो ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्राइटिस वगैरह की समस्या रहती है वो ठीक हो जाती है और गैस की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। और साथ में खान पान का विशेष ध्यान रखें तो इन सब चीज़ों के साथ आपकी जो गैस की समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।